जय हिंद प्यारे दोस्तों। बाप की संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार होता है, क्या हिस्सेदारी होती है? वो बेटियां चाहे तलाकशुदा हों या शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, इन सब का अपना एक अधिकार होता है। एक पति पत्नी हैं और उनसे एक बच्चे या दो बच्चे हैं और उनकी तलाक हो जाती है दूसरी, और दोनों अलग सेपरेट रह रहे हैं और तलाक हो चुकी है, तो वो बच्चा जो वो बाप से उसका क्या अधिकार होता है जबकि वो माँ के पास रह रहा है या रह रही है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, तो एक आपकी होती है पैतृक संपत्ति और दूसरी होती है स्वार्जित संपत्ति। क्योंकि पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो आपके बाप दादाओं से मिली हुई संपत्ति होती है। अब स्वार्जित संपत्ति, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जो कमाता है और चीजें बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वार्जित संपत्ति के अंतर्गत रखें। जो आपकी पैतृक संपत्ति होती है वो कभी गैर लोगों में विरासत नहीं की जा सकती है, जबकि उसको नहीं दिया जा सकता था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था, ये कौन सा नियम था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार एक्ट।